हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार इस चैनल पर। माय नेम इज अर्पित। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि यूएसपी क्या होता है, यूएसपी को समझा था कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने बिजनेस में यूएसपी को फाइंड कैसे कर सकते हो, यानी कि यूएसपी को ढूंढ कैसे सकते हो। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको ये नहीं पता कि यूएसपी होता क्या है, तो आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। आपको लिंक आई बटन में या तो फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें मैंने पूरा समझाया हुआ है कि यूएसपी होता क्या है, हमने कुछ एग्जांपल भी दिए है यूएसपी के। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप यूएसपी को फाइंड कैसे कर सकते हो, यानी कि ढूंढ कैसे सकते हो यूएसपी को। आज हम चार स्टेप देखने वाले हैं, वो चार स्टेप्स को आप अपने बिजनेस में फॉलो करके आप यूएसपी को ढूंढ सकते हो। सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, मार्केट एनालिसिस। अब आपका बिजनेस जो भी इंडस्ट्रीज में हो, जो भी फील्ड में आपका बिजनेस हो, आपका काम हो, उसको अच्छी तरीके से आपको एनालाइज करना है। उसमें क्या क्या अप डाउन चल रहे हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आई है अभी, ओवरऑल मार्केट कैसा चल रहा है आपकी इंडस्ट्री में, तो उसको आपको एनालाइज करना होगा अच्छी तरीके से। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपका बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में, तो उसमें क्या क्या अप डाउन चल रहे हैं अभी, कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आई है आपकी इंडस्ट्री में, तो आपको सबका ख्याल होना चाहिए अच्छी तरीके से। अगर आपको अपनी इंडस्ट्रीज का ख्याल होगा अच्छी तरीके से, आप अवेयर होंगे, तो आपको अपने यूएसपी ढूंढने में काफी आसानी होगी। स्टेप नंबर टू, एनालिसिस ऑफ योर ओन बिजनेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको अपने खुद के जो बिजनेस है, अपना खुद का बिजनेस है, उसको अच्छी तरीके से एनालिसिस करना होगा। अब आप कैसे करोगे, यहाँ पर आपको बेसिकली ये ढूंढना है, ये पता लगाना है कि आप अपने कस्टमर्स को ऐसा क्या यूनिक प्रोवाइड करा रहे हो जो मार्केट में कोई भी नहीं प्रोवाइड करा रहा, आपके कॉम्पिटिटर्स भी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे। तो आपको यहाँ पर बेसिकली ये पता लगाना है। तो आपको आपको इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो अलग अलग चीजों में अपने खुद के बिजनेस को रेटिंग देनी होगी, जैसे कि प्राइस हो गया, लोकेशन हो गया, सर्विस हो गई, प्रोडक्ट हो गई, तो अलग अलग चीजों में रेटिंग देनी होगी आपको। मान ले सबसे पहले लेते हैं आप प्रोडक्ट, तो अगर आपको लगता है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सबसे अच्छा है, हमारे कंपिटिटर से भी हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप प्रोडक्ट को 5 रेटिंग दोगे, 5 स्टार दोगे। फिर प्राइस, तो आपको लगता है कि हमारी प्राइस भी अच्छी है, तो उस हिसाब से उसको रेटिंग दोगे। तो अलग अलग चीजों को अपने हिसाब से आपको रेटिंग देते जाना है अपने बिजनेस में। आप इसके लिए मान लो कि अगर आपको खुद को अकेले को नहीं पता चल रहा कि सब कैसा है, तो आप यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज की भी हेल्प ले सकते हो। अपने एम्प्लॉयज हो गए, या तो फिर आपके साथ जो भी काम कर रहे हैं आपके ऑफिस में, जो भी काम कर रहे हैं दूसरे लोग, तो उनकी भी सहायता ले सकते हो। आपको यहाँ पर जरूरत पड़े तो आप कस्टमर्स की भी हेल्प ले सकते हो। आपको यहाँ पर कस्टमर से फीडबैक लेना है कि हमारी कंपनी में आपको क्या अच्छा लगता है, हमारी कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है, तो यहाँ पर कस्टमर से फीडबैक लेकर भी आप ये काम कर सकते हो। स्टेप नंबर थ्री, एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर। अब इस स्टेप में आपको क्या करना है, आगे मैंने जो भी एनालिसिस बताया आगे के स्टेप में, उसको अपने कंपिटिटर के साथ जोड़ देना है। यानी कि मान लो कि अपने प्रोडक्ट में अपने आपको रेटिंग दी थी, अपने खुद के बिजनेस को रेटिंग दी थी, तो अब देखना है कि प्रोडक्ट में आप अपने कॉम्पिटिटर को कितने रेटिंग दोगे। यानी कि मान लो कि प्रोडक्ट है, तो आपका आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट कितना अच्छा है, आपके कॉम्पिटिटर की प्राइस कितनी अच्छी है, तो ये सब में कॉम्पिटिटर को भी रेटिंग देते जाना है। तो ऐसे करके आपको पता लग जाएगा आपके यूएसपी। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक डोमिनोज का। आप डोमिनोज का अगले पिछले वीडियो में मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वो 30 मिनट में डिलीवरी करवा रहे हैं, उनकी यूएसपी वो है। तो अब डोमिनोज को पता कैसे चला होगा कि हमको ये अपनी यूएसपी रखनी चाहिए। तो डोमिनोज ने पूरे मार्केट को एनालिसिस किया होगा, कंपिटिटर को एनालिसिस किया होगा, तब जाके उनको पता चला होगा। पूरे उन्होंने सब जगह देखा होगा कि किसी को भी पिज्जा अपने टाइम पर नहीं मिल पा रहा, या तो फिर कम टाइम में नहीं मिल पा रहा, ज्यादा टाइम लग रहा है डिलीवरी में। तो ऐसा सब उन्होंने एनालाइज कराया होगा, तभी उनको पता चला होगा कि हमें ये यूएसपी हमें सेट करनी चाहिए। तो आप अच्छी तरीके से सब एनालाइज करोगे तो आपको भी अपनी यूएसपी पता लग जाएगी। स्टेप नंबर फोर, यूज योर यूएसपी इन मार्केटिंग। अब आपको एक बार अपने यूएसपी पता चल जाए, आप अच्छी तरीके से फाइंड कर लो अपने बिजनेस में यूएसपी, अब आपको अपनी मार्केटिंग में अच्छी तरीके से यूएसपी को यूज करना है। अब आप जब भी मार्केटिंग करोगे तो उसमें भर भर के यूएसपी को इस्तेमाल करना है। आपके हर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, या तो फिर कोई भी एडवर्टाइज हो आपकी, अपने बिलबोर्ड्स आपने छपवाए हो, टेम्पलेट्स छपवाए हो, या तो फिर आप कहीं पर भी एडवर्टाइज कर रहे हो, कहीं पर भी मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको अपनी यूएसपी को हाईलाइट करना है। आपको अपनी यूएसपी को सेंटर में रख के हमेशा एडवर्टाइज करनी है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट दूसरों को दिखानी है। एग्जाम्पल लेते हैं ओप्पो वीवो का। हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल दिया था इसका ही, ओप्पो वीवो का एग्जाम्पल दिया था। तो उनकी यूएसपी क्या है, उनका कैमरा, वो अच्छे कैमरे वाले मोबाइल बनाते हैं, यानी कि उनका कैमरा ज्यादा मेगा पिक्सल का होता है। अब अच्छा होता है कि नहीं होता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादा मेगा पिक्सल का होता है, वो ऐसा दिखाना चाहते हैं।
तो आप कोई भी एडवर्टाइज देखना है ओप्पो वीवो की, तो उसमें कैमरा को ही हाईलाइट किया होगा, कैमरा को सेंटर में रख के एडवर्टाइज बनाई होगी। कोई भी एडवर्टाइज आप देखना, 48 मेगापिक्सल का कैमरा या तो फिर 50 मेगापिक्सल का कैमरा, इतने मेगापिक्सल का कैमरा, ऐसा ही दिखाया होगा हमारा, उनके जो मार्केटिंग कैंपेन होते हैं, जो भी एडवर्टाइज होते हैं उसमें ऐसा ही दिखाया होगा, या तो फिर ऐसा दिखाया होगा कि मूनलाइट सेल्फी, या तो फिर उनमें ऐसा कहने की बात है कि वो कैमरा की बात करेंगे हमेशा अपने एडवर्टाइजमेंट में, अपने मार्केटिंग में कैमरा की ही बात करेंगे। आपने कभी ऐसी एडवर्टाइज नहीं देखी होगी ओप्पो वीवो की कि हमारा प्रोसेसर ये है, या तो फिर प्रोसेसर शायद लिखा होगा तो छोटे अक्षरों में कहीं लिखा होगा एडवर्टाइजमेंट में। तो उनका मेन फोकस है अपने यूएसपी के, यूएसपी पर, यानी कि अपने कैमरे पर उनका मेन फोकस है एडवर्टाइजमेंट में। तो आपको भी यहाँ पर यही करना है। अब आपको मान लो कि आपका कॉम्पिटिटर अपनी उसकी खुद की यूएसपी को लेकर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो आपको यहाँ पर उससे कंपटीशन नहीं करना है अगर आपकी यूएसपी उससे डिफरेंट हो तो, यानी कि आपके कंपटीटर से आपकी यूएसपी डिफरेंट है, तो आपको उसके साथ कंपटीशन में नहीं उतरना है। तो आज के वीडियो में हमने बात की हाउ टू फाइंड यूएसपी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो से क्या नया सीखने को मिला। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो भी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो भी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।